सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। सो आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो आज संडे है तो मैंने और कोमल ने सोचा है कि हम सैलॉन हो आते हैं और उसके बाद शॉपिंग कर लेंगे। तो ये जो बाल है मेरे, काफ़ी टाइम से मैंने कटवाए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो हेयर कट ले लेते हैं और हो सकता है ट्रीटमेंट भी ले लूँ मैं कैराटीन। तो फिर पहले सैलॉन जाके देखते हैं कि क्या सीन है, फिर ही पता चलेगा कि ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट हाँ, हेयर कट तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे सरोजनी नगर, और हम लोग चैलेंज करने वाले हैं कि हम लोग 2000 में वहाँ से कितनी शॉपिंग करके आ सकते हैं। मतलब 2000 सरोजनी नगर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो लेट्स सी, हम 2000 का टारगेट रखते हैं। तो हम लोग चैलेंज रखेंगे कि हम उसमें कितने कपड़े ला सकते हैं, वो कितने लाती है और मैं कितने लाती हूँ। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, कोमल आ चुकी है और अब हम लोग जाएंगे नेचुरल्स पार्लर के लिए हेयर कट करवाने, और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। ओके, फिर हम लोग चलेंगे सरोजनी शॉपिंग करने। यस, चैलेंज के बारे में मैंने इन्हें बता दिया है। बता दिया है, वेरी गुड। सो लेट्स सी गाइस, ओके चलते हैं। अभी हम लोग बहुत ज्यादा लेट। सी यू देयर, सी यू देयर, बाय। चलो कोमल तो फिर कोमल भी आज हेयर कट करवाएगी। ये जो मेरे बाल हैं, ये मैं शॉप ठीक है, चलो देखते हैं क्या हेयर स्टाइल बनता है। लेट्स गो। तो कुछ नहीं, so Bini, how are you feeling? Excited. Okay, ठीक है। और आज के बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, चलो ठीक है, ओके बाय। तो फिर लग रहा है ना तुझे वैसी? हैप्पी हैप्पी We are back home. और अब हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर। सो अब हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर, और अब हम कहेंगे लाफिंग लाफिंग कहेंगे ना, आई होप सो कि मिल जाए। बट अभी तो बहुत ही भूख लगी है, तो फिर चलते हैं कुछ खा लेते हैं और फिर शॉपिंग शुरू कर देंगे अपना चैलेंज 2000 वाला। ओ यस, तो लेट्स गो। हमारा एक बजट है, रिकॉर्डिंग भी करेंगे शॉपिंग आज। ओके, सो लेट्स गो। हमारे पास अमेजिंग सा स्वीट कॉर्न। क्या ये स्वीट कॉर्न? हैप्पी फेस। शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और इसने पहना है माउस कलर, शी इज वेयरिंग अ माउस कलर। फिर हम खा रहे हैं लाफिंग दिखा। ये है लाफिंग। अब बता, चैलेंज शुरू हो चुका है। अच्छा लग रहा है। ड्रेस टाइप है ना, दिस वन इज बेटर। हमने एक आइटम ले लिया है। हाँ,
लुकिंग लाइक अ वाओ. ये बिन्नी ने पहन ली है जैकेट. लुकिंग लाइक अ वाओ. ट्राई करके देख. अच्छा लग रहा है भाई. दिखाइयो. ये बिन्नी की थर्ड जैकेट है जो ये ट्राई कर रही है और ये इसके लुक से लग रहा है कि इसको मजा सा नहीं आ रहा है. Let me see. I like it. इसे अच्छे से पहन. देख मैं तुझे दूर से दिखा देती हूँ. बटन छोड़ना, खुले रखते हैं ओवरकोट तो. पहन पहन कह रही हूँ, देख ले. अच्छी लग रही है. कितने की भैया ये? सो गाइज, हम लोग का व्लॉग पूरा हमने शूट कर लिया है पर सरोजनी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी एज यूजुअल. तो हमने वैसे शॉपिंग तो बहुत सारी करी है, उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए घर का. बट हमने फिर भी कुछ कोशिश करी है दिखाने की. और कोमल ने कुछ भी नहीं लिया है एक के अलावा दो. तो ये दो, तो ये चैलेंज हार चुकी है ऑलरेडी. और अभी मैंने बहुत कुछ ले लिया है तो शायद मैं 2000 के आसपास की होंगी. तो देखते हैं, घर जाके कैलकुलेट करूँगी मैं कि मैंने कितना खर्चा करा है. तो उस हिसाब से हमने क्या क्या चीज़ें खरीद ली 2000 में. तो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि 2000 में मैंने क्या क्या खरीदा है. मेरा 400 में आ गया है सारा सामान जो मुझे चाहिए था. हाँ, क्योंकि एक दो ही लेंगे तो कोर्स 400 में आ जाएगा है ना. तो फिर ये था मेरा सरोजनी व्लॉग. और हमने लाफिंग वगैरह भी खाया. अब हमें मोमोज खाने जो हमने लेके रखे हुए हैं और जो गिर चुके थे. हाँ, और इसकी चटनी से फैल चुकी है. बट कोई नहीं, अब घर जाके मुझे लगता है खाएंगे या फिर यहाँ पे तो खा नहीं सकते हैं तो फिर ये बहुत सफ़र किया इन्होंने आज बहुत ज़्यादा. ओके, बेचारे इधर से उधर होते रहे बैग में और चटनी पूरी खराब हो चुकी है. नहीं खराब तो नहीं, फैल चुकी है पूरी ज़्यादा. तो कोमल से है कि घर जाने ऑब्वियसली. तो अभी गाइस टू बी कंटिन्यूड है व्लॉग, क्योंकि घर जाके मैं दिखाऊंगी क्या क्या मैंने लिया. ओके, मैं सरोजनी हूँ. ओके, कोमल के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए तो एक स्कर्ट है. सिर्फ एक स्कर्ट लेकर जब मैं पहनूंगी तब आप देख लेना. ठीक है. ओके देन आई विल सी यू लेटर. ओके, ऑफ कोर्स लेटर इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो गाइज, आई एम बैक होम और मैंने अभी तक कपड़े ड्राई नहीं करे हैं अपने कुछ भी जो भी मैं लेके आई हूँ सामान वहाँ से. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ. तो सबसे पहले तो ये विंटर वाली स्कर्ट मैं लेकर आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे. और ये थी सिर्फ 200 में. और इसका कपड़ा देखो काफ़ी ज़्यादा मोटा है. ये काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मिल रही और इलास्टिक है इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं साइज़ का. ये हाफ स्वेटर में लेकर आई हूँ और ये बहुत प्यारा कलर है इसका. और ये भी सिर्फ 200 की थी. मतलब हाँ, उसने मतलब हमने थोड़ी बार्गेनिंग भी करी क्योंकि वो लोग बोलते हैं 300-400. तो फिर मैं 200 में लेकर आई हूँ. तो ये था. फिर तो एक मैं बैग लेकर आई हूँ, टोट बैग है ये भाई. मतलब कपड़े का है ये और ऐसे इसको हम लोग पहनते हैं. तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, आपको दिखाती हूँ इस तरीके से.
बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये बैग, और ये गेस करो कितने का होगा। लाइक ये बैग था सिर्फ 150 का, मतलब तो बहुत। इसमें प्लस पॉइंट ये था कि इसमें चेन लगी हुई है, तो ये मुझे बहुत सही लगी बात। 150 रुपये में क्या मिलता है भाई, बढ़िया सा हैंड बैग जिसमें इतना ज़्यादा स्पेस हो, तो यस। और दूसरा मैं लेकर आई हूँ एक और हाफ स्वेटर, क्योंकि हाफ स्वेटर्स विंटर्स में बहुत प्यारे लगते हैं। और ये रहा दूसरा, तो ये एक्चुअली मैंने सोचा थोड़ा मैच हो जाएगा इसके साथ, तो स्कर्ट और हाफ स्वेटर वाला, तो इसलिए मैंने इसको लिया। और ये भी मैंने 200 का ही लिया है। और मैंने एक जैकेट ली है, ये वाली मैंने जैकेट ली है जिसके ऊपर मतलब हुड भी है, कैप भी है, और ये ऑलिव ग्रीन कलर का, मतलब नॉट ऑलिव ग्रीन बट हाँ थोड़ा सा ग्रेइश है, ग्रे है, तो ग्रे कलर की ये मैंने ली है 400 में। हाँ ये 400 की जैकेट थी, तो वो बड़ा के ही बोल रहा था, तो फिर 400 में और कम हो सकता था, बट ठीक है फिर नहीं हुआ। रात हो रही थी, घर जाना था, तो लास्ट में मैंने यही वाला जैकेट लिया है। और तीन क्लचर्स भी हैं बस, तो काफ़ी मैट लुक है ये। और ये मैंने 100 के 3 लिए हैं, क्योंकि क्लचर्स टूट जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर एक साथ ही मैं ले लेती हूँ। तो ये था सब कुछ जो मैंने ख़रीदा, और अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये सबका कितना हुआ। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और सॉरी एक चीज़ तो रह गई, एक चीज़ मैंने और ली थी, बहुत क्यूट सा बैग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसे लोकल ही है बट ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि भाई ले लेते हैं, तो पिंक कलर का था, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये बैग। और इसके अंदर स्ट्रैप भी है, मतलब अगर आप इसे स्लिंग बनाना चाहते हो तो स्ट्रैप भी है, तो ये स्लिंग भी बन सकता है पूरे तरीके से इसको ऐसे, तो ये बहुत क्यूट सा छोटू सा दादू, चलो ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया था, ये 250 का था, तो ये 250 का था, सब कैलकुलेट करते हैं आखिर कितना, इतना सारा सामान कितने में आया। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, and 400, 11th and 15, ये 400 के लिए, yes। तो हमारा 1500 में ये सब कुछ आ चुका है, और मैंने काफ़ी अच्छी शॉपिंग करी उस हिसाब से, जिसमें मेरा काफ़ी कुछ सामान आ गया, मतलब कि बैग भी आ गए दो, और जैकेट भी आ गई, स्वेटर्स भी आ गए, स्कर्ट्स भी आ गए। और तो हाँ, मतलब मोस्टली मुझे यही सब लेना था, और बाकी मुझे स्वेटर्स ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने कल नेक्स्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि अभी और स्टॉक आना होगा, अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, तो फिर इसलिए। तो यही था गाइस मेरा सरोजनी का पूरा सामान जो मैं लेकर आई हूँ, और मैं बहुत टाइम के बाद सरोजनी नगर गई थी ऐसे, क्योंकि मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है वहाँ पे जाके कि कुछ भी खरीद के नहीं आती थी मैं, एक आध कुछ मिल गया तो बस, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। और हाँ, मतलब 15 में हो गया तो 2000 का लेके मैं चली थी, बट बाकी वहाँ पे कुछ भी ऐसे इतना पसंद नहीं आया, तो मुझे 1500 का ही, मतलब मुझे लगा चलो इनफ है अब, और एक 500 का नोट बचा देते हैं।
तो फिर इतने में ही हो गया, बाकी फिर मुझे कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही थी तो, बट मैंने हाँ 1500 के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम मैंने खरीदे और क्लचर 7, तो काफ़ी सही रहा आज का दिन। और कोमल ने ऐसा सच कुछ लिया नहीं है, उसने भी ऐसी ही स्कर्ट ली है जैसे मैंने आपको दिखाई थी अभी, ब्लैक एंड वाइट, वैसे उसने वाइट एंड ग्रीन में लिया है। हाँ, इस स्वेटर के साथ थोड़ा मैचिंग। तो यही था गाइज आज का मेरा ब्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।